क्या हो गया मेरे बच्चे? मम्मी पापा, आपको पता है आज मैंने किंग कॉन्ग को फुटबॉल के गेम में हरा दिया। हम दोनों आज फुटबॉल का कंपटीशन कर रहे थे और मैंने उसको हरा दिया। बहुत अच्छे बच्चे, किंग कॉन्ग को हमेशा बता के रखना कि गॉडज़िला ज्यादा खतरनाक होते हैं। हाँ बच्चे, हमें किंग कॉन्ग लोगों को बताना पड़ेगा कि गॉडज़िला सबसे खतरनाक है। बच्चे, किंग कॉन्ग के पापा ने तुझे कुछ बोला तो नहीं ना? लगता है वो किंग कॉन्ग का बच्चा मुझसे लड़ना चाहता है। लगता है उसको याद नहीं है पिछली बार मैंने उसकी क्या हालत करी थी। हा, हा, हा। हाँ पापा, पिछली बार तो आपने किंग कॉन्ग की पूरी फैमिली को धूल चटा दी थी। आप तो बहुत स्ट्रांग हो पापा, आप तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। हाँ बच्चे, मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ, तुझे भी मेरे जैसा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। उसके लिए तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ पापा, मैं बहुत सारी मेहनत करूँगा, पर अभी तो मैं खेलने जाऊँगा। हाँ बच्चे, तू जाके खेल। रुक जाओ, तुमने मेरे बच्चे को फुटबॉल के गेम में हराया। मेरा बच्चा रोए जा रहा है, मैं नहीं छोड़ूंगा तूने मेरे बच्चे को हराया। ए किंग कॉन्ग, मेरे बच्चे से लड़ने से पहले तुझे मुझसे लड़ना पड़ेगा। ए गॉडज़िला, सामने से हट जा, इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पिछली बार तो तूने मुझे मार लिया था, इस बार मैं बहुत ताकतवर हूँ। तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते, हम गॉडज़िला की फैमिली से। तुम गॉडज़िला को लगता है आज खत्म करना पड़ेगा? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरे बच्चे को हराया। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, निकल जा यहाँ से। गॉडज़िला की मम्मी, ये ले, तुम तीनों को खत्म कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, आज तुम नहीं बचोगे। मेरे बच्चे, भाग जा यहाँ से, ये बहुत खतरनाक हो चुका है, भाग जा। पीटे, भाग जा यहाँ से, ये तुझे नहीं छोड़ेगा। यहाँ से कोई नहीं भाग पाएगा, पहले तुम्हें खत्म करूंगा, फिर तुम्हारे बच्चे को। हा, 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 ये ले, ये ले। बच्चे, यहाँ पर मत रुक, भाग जा यहाँ से। पर मम्मी पापा, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। बच्चे, भाग जा, हमारी बात सुन, भाग जा यहाँ से। ओके मम्मी पापा, मैं जा रहा हूँ, आप अपना ध्यान रखना। किंग कॉन्ग ने तो मेरे मम्मी पापा पर अटैक कर दिया, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, वरना वो मुझ पर भी अटैक कर देगा। मुझे बचाओ, जल्दी जल्दी भागो। गॉडज़िला वालों, तुम नहीं बचोगे, आज मैं तुम्हें सबको खत्म कर दूंगा। तुम्हारा बच्चा कहाँ गया? वो चिरकुट को मैं नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरे बेटे को परेशान किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। भागो, भागो, वो किंग कॉन्ग तो मेरे पीछे आ रहे हैं, मुझे भागना पड़ेगा, वो मुझे छोड़ेगा नहीं, उसने मेरे मम्मी पापा को ऑलरेडी पकड़ लिया, वो मुझे ही पकड़ लेगा। भागो यहाँ से, जल्दी जल्दी भागो। उसने मेरे मम्मी पापा को मार दिया, मुझे उसका बदला लेना पड़ेगा, पर अभी मैं बहुत ही ज्यादा छोटा हूँ, अभी मैं उससे बदला नहीं ले सकता, मुझे बचाओ। जल्दी से मेरी फोटो खींच दो। हाँ सिंचन, तेरी फोटो खींच रहा हूँ, थोड़ा सा राइट हो जा, थोड़ा सा लेफ्ट। एनी फेकी, मैं मुझे इस बोर्ड के साथ फोटो खींचनी है, खींचना फिर मैं नेगो दीदी को भेजूंगा। हाँ सिंचन, तेरी बहुत ही मस्त फोटो खींचूंगा। बोल सिंचन, चीज चीज, बहुत बढ़िया। अरे मैं तो थक गया, मुझे बचा लो, मुझे बहुत ही भूख लग रही है, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। अबे सिंचन, ये कौन है? एनी फेकी, मैं ये कहाँ से आ गया? अरे ये तो यहाँ पे आके बेहोश हो गया। हेलो हेलो, तुम कौन हो? फेकी में ये कौन है? अरे मुझे क्या पता, शिंचन अपनी गाड़ी में खाना पड़ा, फटाफट ये खाना पानी लेके आ। ये फेकी में है, मैं भी लेके आता हूँ। अरे ये क्या चीज है, ये तो मुझे छोटा सा गॉडज़िला लग रहा है। अरे हेलो, उठ जाओ, रुको, इसके मुंह में पानी मारना पड़ेगा, रुको अभी पानी लेके आते हैं। मेरी फेकी में, इसका तो मैंने सारा खाना और सारा पानी पिला दिया, ये तो फिर भी नहीं उठ रहा। अरे ये उठ क्यों नहीं रहा, मुझे समझ नहीं रहा। हेलो गॉडज़िला बेबी, क्या कर रहे हो? अरे उठ जाओ। मेरी फेकी में, ये तो उठ गया। अरे ये तो उठ गया, कौन मारा मुझे? मैं तो नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं मार नहीं रहा था, मैं तो तुम्हें उठा रहा था। अरे मुझे मत मारो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं तुम्हें मार नहीं रहा था, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें खाना खिला रहा था। अरे ये तुम्हारे दुश्मन नहीं है। अरे मैं तो बहुत ही ज्यादा डर गया था, सॉरी, मैंने सोचा था तुम किंग कॉन्ग हो। क्या किंग कॉन्ग? अरे वो तो इस दुनिया में है नहीं ना। नहीं, किंग कॉन्ग इस दुनिया में है और उसने मेरी पूरी गॉडज़िला फैमिली को खत्म कर दिया। क्या, पूरी गॉडज़िला फैमिली को खत्म कर दिया? तुम मुझे शुरू से बताओ कि क्या हुआ था। सबसे पहले मैं किंग कॉन्ग के बच्चे के साथ फुटबॉल खेलने गया था, उसमें मैंने उसको फुटबॉल के मैच में हरा दिया, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा परेशान था और रोने लग गया। फिर उसने उसके पापा को बताया, उसके पापा हमारे घर में घुस के मेरे मम्मी पापा दोनों को मार दिया और वो मुझे मारने आ रहा था, फिर मैं भाग गया। अब मेरे मम्मी पापा खतरे में, मैं उनको बचाना चाहता हूँ, पर मैं उनको बचा नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ। अरे ये तो बहुत ही खतरनाक है। अरे कैसे बेबी गॉडज़िला अपने मम्मी पापा को बचाना चाहता है, पर ये बहुत ही ज्यादा छोटा है, इसलिए वो किंग कॉन्ग से लड़ नहीं सकता। अब तुम क्या करोगे? मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा, मुझे अपग्रेड होना है, पर मुझे पता नहीं मैं अपग्रेड कैसे होऊंगा। क्या तुम दोनों मेरी मदद कर सकते हो मुझे अपग्रेड होने के लिए? अरे हां, हम तुम्हारी मदद
अबे शिनचैन क्या बोल रहे हैं, किंग कॉन्ग से लड़ना पड़ेगा, कैसे लड़ेगा? अरे वेकी में पहले इसको अपग्रेड करेंगे फिर उससे लड़ेंगे। अरे पर इसको अपग्रेड कैसे करेंगे? अरे वेकी में भूल गए क्या, अपग्रेड की दुकान से। क्या अपग्रेड की दुकान से? अरे हाँ वो तो मैं बोल ही गया था, पर शिनचैन वहाँ पे तो बहुत पैसे लगते हैं। अरे वेकी में तो पैसे कमा लेंगे ना। अरे भैया भैया प्लीज मेरी मदद कर दो, मैं अपनी फैमिली को बचाना चाहता हूँ और उस किंग कॉन्ग की फैमिली को हराना चाहता हूँ। अरे वेकी में इसकी मदद कर दो ना भैया, मदद कर दो। अरे वेकी मदद कर दो, अरे भैया मदद कर दो। अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे थैंक यू भैया। तो क्वाइसर अभी आप देख सकते हो मैं ये छोटा सा बेबी गॉडज़िला बन चुका हूँ। तो क्वाइसर हम मदद करने वाले इस बेबी गॉडज़िला की बनने में खतरनाक सा गॉडज़िला, ताकि ये किंग कॉन्ग की फैमिली को मार पाए और अपनी फैमिली का बदला ले पाए। अरे भैया मैं खतरनाक सा गॉडज़िला तो बन जाऊंगा ना। अरे तुम टेंशन मत लो, फ्रैंकी भी बहुत ही खतरनाक है। हाँ तुम टेंशन मत लो, हम तुमको अपग्रेड करके रहेंगे। क्वाइसर अगर आप चाहते हो इस बेबी गॉडज़िला की मदद करें तो फटाफट से कमेंट करो फ्रैंकलिन हेल्प करो, तभी हम इस गॉडज़िला की मदद करेंगे। अगर आप कमेंट करोगे तभी इसकी हेल्प हो पाएगी। अरे गाइसर जल्दी से कमेंट करो, फ्रैंकलिन भैया हेल्प करो, तभी मैं जल्दी से अपग्रेड हो पाऊंगा। चलो गाइसर फटाफट से इसको अपग्रेड करते हैं। तो गाइसर अभी हम आ चुके गॉडज़िला के सूट खरीदने, और आप देख सकते हो यहाँ पे कितने ज्यादा खतरनाक गॉडज़िला है। ये तो एक मेटल से बना हुआ गॉडज़िला है, और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला अर्थ गॉडज़िला, और ये सबसे बड़ा गोल्डन गॉडज़िला जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इसको एक बार में तो हम देख भी नहीं पा सकते, इसके तीन तीन मुंह है, इसके इतने बड़े बड़े पंखे। तो गाइसर मुझे ये वाला गॉडज़िला खरीदना है, देखते हैं कितने का है ये। अंकल मुझे बड़ा वाला गॉडज़िला खरीदना है, कितने का मिलेगा? अरे बेटे वो सूट है $100 million का। क्या $100 million? ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा है अंकल, सबसे सस्ता सूट कौन सा आपके पास? वो देखो बच्चे सामने $50,000 का सूट है वो। क्या $50,000? ये इनका सबसे सस्ता है, मेरे पास तो $50 भी नहीं है। बच्चे जब पैसे हो तब आना, निकल जाओ यहाँ से। तो क्वाइसर मुझे लगता है मुझे पैसे कमाने पड़ेंगे, मुझे सबसे पहले $50,000 वाला सूट खरीदना है, ताकि मैं थोड़ा तो अपग्रेड हो सकूं इस बेबी गॉडज़िला से कोई अच्छे गॉडज़िला में। ब्रेकिंग न्यूज़, लॉस सैंटोस के साइंटिस्ट लॉन्च करने वाले थे खतरनाक सी मिसाइल। आखिर में पता चला मिसाइल के लिए फ्यूल बहुत ही ज्यादा कम है, उनको अर्जेंट में फ्यूल चाहिए, और फ्यूल बनाने के लिए उनको बहुत ही ज्यादा प्रेशर में फायर चाहिए। अगर किसी के पास भी बहुत ज्यादा फायर है तो जल्दी से पहुंचिए लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ पे मिसाइल लॉन्चिंग हो रही है, जल्दी पहुंचिए। ब्रेकिंग न्यूज। तो गाइसर मुझे पता चला लॉस सैंटोस के साइंटिस्ट को चाहिए बहुत ज्यादा प्रेशर में फायर, और गाइसर मैं एक फायर गॉडज़िला हूँ, मैं बहुत सारी फायर पैदा कर सकता हूँ और उसके बदले में उनसे पैसे भी मांग सकता हूँ। मैं आ चुका हूँ आपको फायर दे। अरे बच्चे तुम कैसे हमें फायर दोगे? मैं एक फायर गॉडज़िला हूँ और मेरे मुँह से बहुत ही ज्यादा आग निकलती है, मैं आपको फायर दे सकता हूँ। अरे बच्चे जल्दी से हमें फायर दो, हमें स्पेस में जाना है। फायर तो मैं दे दूंगा, उसके बदले मुझे पैसे चाहिए। बच्चे तुम टेंशन मत लो, तुम जितना पैसा बोलोगे उतना पैसा देंगे। मुझे $50,000 चाहिए। ओके बच्चे हम तुम्हें $50,000 देंगे, बस इसे स्पेसशिप को उड़ा दो। अरे गाइसर ये तो मान गए, चलो गाइसर फटाफट से स्पेसशिप को हवा में उड़ाते हैं। बच्चे शुरू हो जाओ। तो गाइसर फटाफट से शुरू करते हैं, इसके ऊपर आग लगाना, उसके मदद मिलेगी मुझे बहुत सारे पैसे, ये लो। बहुत बढ़िया बच्चे, और तेज और तेज। ओके अंकल। तो गाइसर फटाफट से सारी की सारी आग डालते हैं इसके रॉकेट के अंदर, ताकि ये बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड में यहाँ से निकल जाए और हमें $50,000 उसके बदले मिलने वाले हैं। तो गाइसर अगर आप चाहते हो कि इसमें हम कामयाब हो जाए तो फटाफट से कमेंट में लिख दो फायर। जब तक आप कमेंट करोगे तब तक ये रॉकेट हवा में नहीं उड़ेगा, तो फटाफट से कमेंट कर दो फायर। जैसे ये रॉकेट हवा में उड़ेगा हमें मिलेंगे $50,000। बहुत बढ़िया बच्चे, कर दो कर दो। हाँ अंकल मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। बहुत बढ़िया बच्चे तुमने काम कर दिया, हमारा रॉकेट उड़ गया। और गाइसर अभी आप देख सकते हो वो रॉकेट उड़ चुका है और वो जा रहा है सीधा स्पेस की तरफ। बच्चे तुमने हमारा काम कर दिया, ये लो $50,000। अरे गाइसर आखिरकार मुझे $50,000 मिले गए, इतने सारे पैसों से तो मैं एक खतरनाक सा गॉडज़िला का सूट खरीद पाऊंगा। चलो फटाफट से चलते हैं। बच्चे वो सूट तुम्हारा, थैंक यू फॉर $50,000। तो गाइसर अभी हमने इनको $50,000 दे दिए और गाइसर हमें ये खतरनाक सा सूट मिल चुका है। तो गाइसर अभी आप देख सकते हो मैं कितना ज्यादा खतरनाक गॉडज़िला बन गया हूँ। पहले मैं एक छोटा सा बेबी गॉडज़िला था, पर अब मैं बन चुका हूँ एक खतरनाक गॉडज़िला जिसकी पूंछ बहुत ही ज्यादा लंबी है, पर
पर हम यहाँ पे रुकने नहीं वाले। हम एक खतरनाक सा $100 मिलियन का गोल्ड का गॉडज़िला सूट हम खरीद के रहेंगे। उसके लिए हमें $100 मिलियन चाहिए होंगे। तो गाइस अगले सूट के लिए पैसे कैसे कमाएं मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। अगला जो सूट है वो है $5 लाख का, और $5 लाख कहाँ से मिलेंगे मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। पिछली बार $50 तो बहुत ही इजीली मिल गए थे। एक सेकंड, ये क्या हो गया? मुझे बचाओ। और एक गाइस सर, नीचे तो एक प्लेन क्रैश हो रहा है और नीचे से कोई बुला भी रहा है। रुको, जल्दी चलना पड़ेगा। मुझे बचाओ। और एक गाइस सर, ये क्या? ये प्लेन तो बहुत ही गंदी तरह क्रैश हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे लोग मर भी चुके हैं। लगता है इस प्लेन के अंदर कोई है। मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा। अरे गाइस सर, इस प्लेन के अंदर पक्का कोई ना कोई तो है, मुझे इसको बाहर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालूं? रुको, मुझे इस प्लेन को उठाना पड़ेगा। तो गाइस सर, फटाफट इस प्लेन को उठा लेते हैं। अंकल आप टेंशन मत लो, मैं आपको बचा लूंगा। अरे अंकल आप ठीक तो हो ना? बच्चे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुमने मुझे बचा लिया वरना मैं मर ही जाता। तो गाइसर अभी अंकल को मैंने बिल्कुल बचा लिए, अभी ये मरने ही वाले थे। इनकी हालत तो देखो कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। अरे ये क्या, यहाँ पे इतनी सारी पुलिस और एम्बुलेंस कैसे आ गई? मेयर सर आप ठीक तो ना? मेयर सर मैं ठीक हूँ, इस बच्चे ने मुझे बचा लिया। क्या ये मेयर है? हाँ बच्चे, ये लॉस सैंटोस के मेयर है, तुमने इनको बचा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चे तुमने मुझे बचाया है, तुमको इसका प्राइस जरूर मिलेगा। ए मेरी बात सुनो, मेरी तरफ से इस बच्चे को $1 मिलियन दो। ओके सर, मिल जाएंगे। क्या $1 मिलियन? हाँ बच्चे, इससे तुम्हारी लाइफ ठीक हो जाएगी। मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बच्चे। तो कैसर अभी आप देख सकते, मेयर सर ने मुझे दे दिया हमें $1 बिलियन। मुझे सिर्फ $5 लाख चाहिए थे पर मुझे हमें $1 मिलियन मिल गए। इससे तो मैं बहुत ही अच्छा सूट खरीद सकता। थैंक यू मेयर सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अंकल आपने मुझे बोला था कि $5 लाख लाने के लिए, पर मैं आपके लिए $1 मिलियन लेके आया हूँ। अब मुझे सीधा डायरेक्ट ये अर्थ गॉडज़िला दे दो। अरे बच्चे ऐसे कैसे, अर्थ गॉडज़िला का सूट $10 मिलियन का है, ना कि $1 मिलियन का। क्या $10 मिलियन का? अरे ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा है। कहे सर, ये अर्थ गॉडज़िला का सूट है $10 मिलियन का, और ये सबसे खतरनाक सूट है $100 मिलियन का, और ये है $5 लाख का। तो लगता है मुझे यही वाला खरीदना पड़ेगा। ओके अंकल, मुझे यही वाला सूट दे दो। तो कहे सर, अभी मुझे ये खतरनाक सा मेका गॉडज़िला का सूट मिल चुका है। मुझे वैसे तो ये वाला चाहिए था, पर कोई बात नहीं, अब इससे भी काम चला लेंगे। हमारी शक्तियां देख सकते हो कितनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। मैं कितना तेज भाग पा रहा हूँ, मैं मस्त मस्त भी कर पा रहा हूँ। तो गाइस धीरे धीरे हमारी शक्तियाँ बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। बस हमें इतनी शक्तियाँ चाहिए कि हम किंग कॉन्ग की पूरी फैमिली को हरा सकें। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं खतरनाक से आयरन मैन वाले चैलेंज में, और इस चैलेंज में हम जीत सकते हैं ये सारा का सारा कैश, जो की पूरे $10 मिलियन। ये देख सकते हो कितना सारा कैश यहाँ पे पड़ा है, जो की आयरन मैन देने वाला है जो भी ये चैलेंज जीतेगा। तो हम देखते हैं ये चैलेंज क्या है। तो मेरे दोनों कंटेस्टेंट मेरी बात सुन लो, इस चैलेंज को जीतने के लिए पुलिस के हेलीकॉप्टर्स फोड़ने पड़ेंगे। तुम दोनों में से जो भी 5 मिनट में सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर ब्लास्ट करेगा वो ये चैलेंज जीतेगा, और उसको मिलेंगे $10 मिलियन। तो क्या तुम तैयार हो? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ, हल सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर फोड़ेगा। सबसे पहले कौन जाना चाहेगा? सबसे पहले हल जाएगा और सारे हेलीकॉप्टर फोड़ेगा। तो क्या हल, देखते तुम पुलिस वालों के कितने हेलीकॉप्टर फोड़ पाओगे। और तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। सारे के सारे हेलीकॉप्टर फोड़ेगा। फोड़ा सबसे पहला हेलीकॉप्टर, आ रहा हूँ मैं हेलीकॉप्टर। हल को हेलीकॉप्टर बिल्कुल नहीं पसंद, पहला हेलीकॉप्टर गया, निकल जाए यहाँ से। दूसरा हेलीकॉप्टर को पकड़ूंगा, हल हेलीकॉप्टर को नहीं छोड़ेगा। हेलीकॉप्टर इधर आ, हेलीकॉप्टर ये ले। हल सारे हेलीकॉप्टर को खत्म कर देगा, निकल जाए यहाँ से। दूसरा हेलीकॉप्टर भी गया, तीसरा हेलीकॉप्टर कहाँ पर है, किसी को नहीं छोड़ूंगा। पुलिस वालों अपने हेलीकॉप्टर को बुलाओ वरना सबको खत्म कर दूंगा। अरे कैसर, ये हल्क तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका है, इसने अभी तक 3 हेलीकॉप्टर फोड़ दिए। तीसरा भी गया, आते जाओ सबको खत्म कर दूंगा। हेलीकॉप्टर नहीं बचेगा, ये चौथा हेलीकॉप्टर भी फूटने वाला है, हल किसी को नहीं छोड़ेगा। तो कैसर अभी हल्क ने बहुत सारे हेलीकॉप्टर फोड़ दिए और ये तो रुक ही नहीं रहे, अभी भी हेलीकॉप्टर फोड़े जा रहे। ये हेलीकॉप्टर तुझे भी नहीं छोड़ूंगा,
6 हेलीकॉप्टर फोड़ दिया हल्क ने। हल्क सबसे खतरनाक है। टाइम अप हल्क, तुम्हारा टाइम अप हो गया। तो कैसे अभी हल्क ने फोड़े 5 मिनट में 6 हेलीकॉप्टर और अब बारी मेरी, देखते मैं 5 मिनट में कितने हेलीकॉप्टर फोड़ूंगा। क्या तुम तैयार हो गॉडज़िला? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। 3, 2, 1 फोड़ो। चलो कैसर फटाफट चलते हेलीकॉप्टर फोड़ने। तो कैसर देखते हेलीकॉप्टर आना ऊपर से शुरू हो चुके, पहले इसको मारते। ये ले सबसे पहला हेलीकॉप्टर, तो एक ही सेकंड में हमने फोड़ दिया पर वो ऊपर ही फूट गया तो वो दिखा भी नहीं। ये दूसरे को फोड़ते। ये ले दूसरा वाला हेलीकॉप्टर भी हमने फोड़ दिया। तो कैसर 2 हेलीकॉप्टर तो हमने बहुत ही ज्यादा जल्दी फोड़ दिए। अब फटाफट से वेट करते हैं और भी हेलीकॉप्टर आने का। तो कैसर सामने से एक और हेलीकॉप्टर आ रहा है। ये ले इसको भी हमने फोड़ दिया। 3 हेलीकॉप्टर हमने ऑलरेडी ब्लास्ट कर दिए। अगर कैसर इस हिसाब से चलता रहा तो मैं आराम से जीत जाऊंगा। बस जल्दी जल्दी हेलीकॉप्टर आता जाए, मैं सबको ब्लास्ट कर दूंगा। तो कैसर सामने से एक और हेलीकॉप्टर आ रहा है। रुको इसके ऊपर हम मीटियोराइट गिराएंगे। और कैसर एक और हेलीकॉप्टर हमने ब्लास्ट कर दिया। 4 हेलीकॉप्टर हम ऑलरेडी ब्लास्ट कर चुके। और कैसर तो हेलीकॉप्टर भी कम पड़ गया लगता है पुलिस वालों के पास, पर हमारे पास टाइम बहुत ही ज्यादा है, हम आराम से वेट कर सकते हैं। और भी हेलीकॉप्टर हमने 4 ऑलरेडी फोड़ दिए। 5 मिनट में हल्क ने फोड़े थे 6 हेलीकॉप्टर और मैंने 4 तो 2 मिनट में ही फोड़ दिए। देखते हैं और कब आते हैं। और कैसर सामने से एक और हेलीकॉप्टर आ चुका, फटाफट इसको भी ब्लास्ट करते हैं। और ये भी गया। और कैसर 5 हेलीकॉप्टर हमने ब्लास्ट कर दिए। अब आखिरी हेलीकॉप्टर फिर हमारे बीच में टाई हो जाएगा। फिर अगर मैंने 7 हेलीकॉप्टर फोड़ दिए तो मैं ये जीत जाऊंगा और कैसर मुझे मिल जाएंगे $10 मिलियन। और कैसर सामने से हमारा हेलीकॉप्टर आ चुका है जो कि ये 6th हेलीकॉप्टर। इसको फटाफट से ब्लास्ट करते और ये गया। और कैसर 6 हेलीकॉप्टर हमने फोड़ दिए और सामने से एक और आ गया। चलो इसको भी फटाफट से फोड़ते। और कैसर अरे ये तो बच गया। अरे कैसर ये हेलीकॉप्टर तो भागते जा रहे, रखते इसको हाथ से फोड़ना पड़ेगा। अरे रुक जा कहां जा रहा है ये। और कैसर ये गया हमारा आखिरी हेलीकॉप्टर, वो देखो कैसे हवा में जाता जा रहा है। और कैसर हमने ब्लास्ट कर दिए पूरे के पूरे 7 हेलीकॉप्टर, वो भी बहुत ही ज्यादा कम टाइम में। ये पुलिस वाले मुझे बहुत ही परेशान कर रहे हैं, इनको दिखा दे हमारे पास कितनी ज्यादा खतरनाक शक्ति है। अबे पुलिस वाले ये ले। बहुत बढ़िया गॉडज़िला, तुम जीत तो ये $10 मिलियन। तो कैसर आखिरकार मैं जीत गया ये $10 मिलियन। और कैसर हमारा हल्क नहीं जीत पाया। तो तो इतना सारा कैश हमें मिल चुका है, इससे तो हम वो खतरनाक सा अर्थ गॉडज़िला का सूट खरीद सकते हैं। अभी बोलना मत, हमें वो $100 मिलियन वाला सूट भी खरीदना है जो कि गोल्ड गॉडज़िला है। तो गाइस इन अंकल को हमने सारा का सारा $10 मिलियन कैश दे दिया। और गाइस ये खतरनाक सा अर्थ गॉडज़िला का सूट हमारा हो चुका है। चलो फटाफट से पहन लेते हैं सूट को। तो गाइस अभी हमने खतरनाक सा अर्थ गॉडज़िला का सूट पहन लिया है और ये सूट तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसकी पावर तो देखो, मैं जमीन के अंदर जा सकता हूँ, फिर वापस आता हूँ, फिर मैं हवा में भी जा सकता हूँ। मैं तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन चुका हूँ। पर अभी भी ये खतरनाक से किंग कॉन्ग को हराने के लिए काफी नहीं है। मुझे वो $100 मिलियन का सूट कैसे भी करके चाहिए। तो मैं $100 मिलियन कमा के रहूंगा और उस किंग कॉन्ग को हरा के रहूंगा, क्योंकि हमें गॉडज़िला की फैमिली का बदला लेना है। तो बच्चों तुम सबका स्वागत है इस खतरनाक चैलेंज में। जो भी ये चैलेंज जीतेगा उसको मिलने वाले $100 मिलियन। हमारे कंटेस्टेंट है अर्थ गॉडज़िला और खतरनाक सा किंग कॉन्ग। तुम दोनों के बीच में ये कंपटीशन होगा। जो भी जीतेगा उसको ये सारा गोल्ड और सारा का सारा डायमंड मिलेगा जो कि है $100 मिलियन। अरे ये किंग कॉन्ग का बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है? इससे लड़ने के लिए तो मैं $100 मिलियन का सूट खरीद रहा हूँ। $100 मिलियन का उस किंग कॉन्ग का सूट मैं खरीदूंगा और सारे गॉडज़िला को मारूंगा। और मैं $100 मिलियन का सूट खरीद के सारे किंग कॉन्ग को इस दुनिया से बाहर भगा दूंगा। वो तो अभी पता चल ही जाएगा। $100 मिलियन जीतना इतना इजी नहीं है। ये चैलेंज बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है। बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं। तुम सबको उनको क्रॉस करते करते जाना पड़ेगा फुल स्पीड में, जाते जाते इस खतरनाक से ब्रिज पे जाना पड़ेगा। ये ब्रिज हिलता डुलता भी है। जो भी इस ब्रिज को क्रॉस करके इधर आएगा इससे बचते बचाते इसको जाना है बड़े वाले ब्रिज पे। बड़े वाला ब्रिज टूटा हुआ है याद रखना। वहां से अपनी बाइक को कुदालते कुदालते सारी दीदियों को ठोकर मारते मारते जो भी इस टायर में से निकलेगा वो ये चैलेंज जीतेगा और उसको मिलेंगे $100 मिलियन। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले किंग कॉन्ग। सबसे
सबसे पहले मैं जाऊंगा और सबसे पहले 100 मिलियन डॉलर जीतूंगा, फिर सारे गॉडज़िला के बच्चों को इस दुनिया से भगा दूंगा। तो काइज़र अभी सबसे पहले बारी आ चुकी है इस मोटे से किंग कॉन्ग की, अगर ये मेरे से पहले जीत गया तो ये मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो काइज़र अगर आप चाहते हो कि मैं जीत जाऊं तो फटाफट से कमेंट कर दो गॉडज़िला ओपी और किंग कॉन्ग हार जाए, ऐसा फटाफट से कमेंट कर दो ताकि ये हार जाए और मैं ये चैलेंज जीत जाऊं। तो काइज़र अभी किंग कॉन्ग फुल स्पीड में ज्यादा जा रहा है, देखते हैं ये कहां तक जाने वाला है। मैं तो ये जीतने वाला हूँ गॉडज़िला के बच्चे, तू कभी नहीं जीत पाएगा, ये देख मैं कितनी अच्छी बाइक चलाता हूँ, तुम्हारी पूरी फैमिली में से ऐसी कोई बाइक नहीं चलाता होगा। तो काइज़र ये किंग कॉन्ग तो बहुत ही ज्यादा आगे पहुंच चुका है, सारे ऑब्स्टेकल को क्रॉस करते करते ये तो ब्रिज के पास पहुंच गए, देखते हैं ये क्या करने वाला है, क्या ये ब्रिज को क्रॉस कर पाएगा। मैं तो इस ब्रिज को बहुत ही आसानी से क्रॉस कर लूंगा, ये देखो, अरे ये क्या हो रहा है, ये ब्रिज तो ऊपर नीचे हो रहा है, अरे मुझे बचाओ, अरे ये क्या हो रहा है। और काइज़र ये क्या, किंग कॉन्ग तो गिर गया, अरे ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मैं जीत के रहूंगा, रुको अभी मैं मरा नहीं हूँ, मैं जीत के रहूंगा। तो काइज़र किंग कॉन्ग की तो बाइक अभी भी यहीं पे पड़ी है। मेरी बाइक रुक जा, मैं इसके ऊपर बैठ के रहूंगा, मुझे खतरनाक किंग कॉन्ग बनना है वरना मेरे पापा मुझे बहुत मारेंगे। किंग कॉन्ग होता है डिस्क्वालीफाई, गॉडज़िला तुम्हारी बारी। तो काइज़र अभी हमारा किंग कॉन्ग डिस्क्वालीफाई हो चुका है, उस ब्रिज पे पहुंचते ही वहां पे गिर गया। तो काइज़र मुझे कैसे भी करके उस ब्रिज से आगे जाने पड़ेगा, अगर उससे पहले मैं गिर गया तो मैं आउट हो जाऊंगा और किंग कॉन्ग को 100 मिलियन डॉलर्स मिल जाएंगे क्योंकि वो मेरे से आगे गया था। तो मुझे कैसे भी करके इस रैम चैलेंज को कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बराबर से वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और काइज़र अभी हम फुल स्पीड में जाते जा रहे हैं और ये बॉल क्या कर रही है, मुझे लगा था मेरे को सीधा मार देगी ये बॉल, पर अभी हम यहाँ पे बच चुके हैं। चलो काइज़र फटाफट चलते हैं, वो ब्रिज सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है पर हम उसको क्रॉस करके रहेंगे क्योंकि हमें चाहिए 100 मिलियन डॉलर्स। उसके लिए मुझे आपका भी सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट करते रहना, फटाफट से कमेंट करते रहो गॉडज़िला ओपी गॉडज़िला ओपी ताकि मैं जीत जाऊं। और काइज़र उस खतरनाक से ब्रिज पर अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं, हमें बिल्कुल ढंग से अपनी गाड़ी चलानी पड़ेगी और ये क्या, मेरी गाड़ी तो बाउंस हो रही है। चलो जल्दी से चलते फटाफट से इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं। और काइज़र इस ब्रिज को हमने क्रॉस कर लिया, ये क्या, मैं तो किंग कॉन्ग से आगे निकल गया, बस अब हमें बिल्कुल ढंग से ध्यान देना पड़ेगा, इस खतरनाक से चैलेंज को कंप्लीट करना है। चलो फटाफट से चलते हैं। और काइज़र अगले ब्रिज पर भी हमने लैंड कर लिया, और काइज़र सामने से ब्रिज टूटा हुआ मुझे याद था, और काइज़र यहां से हमने कूदा लिया और यहां पे सामने दीदियों को उड़ाते उड़ाते हम जा रहे वाले इस रैंप चैलेंज को कंप्लीट करने वाले, 3 2 1 और ये हमने रैंप चैलेंज कंप्लीट कर दिया। तो काइज़र आखिरकार हम ये चैलेंज जीत चुके हैं और काइज़र हमें मिलते हैं 100 मिलियन डॉलर्स और वो खतरनाक सा गोल्ड गॉडज़िला का सूट। मेरे फ्रैंकलिन भैया हमने कर दिखाया। हाँ बेबी गॉडज़िला हमने कर दिखाया, हमें ये खतरनाक सा 100 मिलियन डॉलर का गोल्ड गॉडज़िला सूट बस मिलने वाला है। आखिरी बार इस खतरनाक से अर्थ गॉडज़िला को बाय बोलते हैं और उस खतरनाक से 100 मिलियन डॉलर सूट को पहन लेते हैं। तो काइज़र मैंने बोला था ना 100 मिलियन डॉलर का सूट सबसे खतरनाक होगा, ये सबसे खतरनाक है, इसके पंख देखो कितने ज्यादा बड़े हो, मेरे पास 3-3 मुंडी आ चुकी है और हमारी पावर्स तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो काइज़र अब बारी आ चुकी है किंग कॉन्ग की फैमिली को बताने की कि गॉडज़िला फैमिली सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। किंग कॉन्ग की फैमिली तुम नहीं बचोगे, आ रहा हूं मैं। किंग कॉन्ग के बच्चे तूने मेरे मम्मी पापा को मारा था, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, मेरी शक्तियाँ पहले से भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। वो तो अभी पता चलने वाला है कौन किसको खत्म करेगा। क्या तुम तैयार हो बेबी गॉडज़िला? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। अरे काइज़र ये किंग कॉन्ग का बच्चा तो पहले से लगता है सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका है, अरे कैसे मार रहा है मुझे। अरे फ्रैंकलिन भैया क्या कर रहे हो, मारो उसको। अरे मुझे बहुत ही डर लग रहा है, ये तो मुझे बहुत तेज मारे जा रहा है, अरे ये तो मुझे खड़ा भी नहीं होने दे रहा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैंने बोला था किंग कॉन्ग सबसे खतरनाक होते। अरे फ्रैंकलिन भैया डर के मत भागो, उसको मारो। अरे पर ये मुझे मार रहे होते, ये तो मुझे खड़ा ही नहीं होने दे रहा। रुक जा, एक बार मुझे खड़ा होने दे, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। किंग कॉन्ग के बच्चे अब तू नहीं बचेगा, ये ले। बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन भैया, मारो उसको, मारो। ये ले, इसको तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। फ्रैंकलिन भैया खत्म कर दो इसको, ये तो बिल्कुल नहीं बचेगा। अरे कहाँ चला गया ये। अरे फ्रैंकलिन भैया आपके पीछे पीछे। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा मार रहा है, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, अब मैं इसको हाथ मुक्के सबसे मारूंगा। ये ले ये ले, इसको तो मैं खत्म कर दूंगा। अरे फ्रैंकलिन भैया इसको दिखा दो कितने खतरनाक हो। या ये ले।
तो काइजर इस किंग कॉन्ग के बच्चे को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। इसको आज हम बता के रहेंगे कि किंग कॉन्ग की फैमिली बहुत ही ज्यादा खराब है और गॉडज़िला की सबसे ज्यादा खतरनाक। ये ले, इसकी तो हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है, फिर भी मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये ले, इसको तो पूरा खत्म करूंगा। इसकी सारी शक्ति अभी मैं ही ले लूंगा, पूरी पूरी किंग कॉन्ग फैमिली को हम खत्म करेंगे। तो काइजर ये था किंग कॉन्ग फैमिली का सबसे बड़ा राजा जिसको हमने खत्म कर दिया है। इसके बाद पूरी किंग कॉन्ग फैमिली हमारे अंडर रहेगी और काइजर हम बन गए लॉस सैंटोस के सबसे खतरनाक गॉडज़िला। अरे फ्रैंकलिन भैया, आपने तो मेरी मदद कर दी मेरे मम्मी पापा का बदला लेने के लिए। बदला तो हमने ले लिया, बस हमें ये देखना कि गॉडज़िला के मम्मी पापा अभी भी जिंदा है कि नहीं, क्योंकि यार किंग कॉन्ग ने उन्हें बहुत ही ज्यादा मारा था, पर वो जिंदा है कि नहीं वो भी हमें पता करना पड़ेगा। हमारा बेटा कहाँ पर होगा? मुझे लगता है किंग कॉन्ग ने उसको मार के खा गया होगा। तुम टेंशन मत लो, हमारा बेटा आएगा, वो नहीं मर सकता। मुझे लगता है वो मर चुका है, वो अभी तक नहीं आया, वो मम्मी के बिना कहीं नहीं जाता। बेटा तो हमारे बच्चे की आवाज है, बच्चे कहाँ पर है तू? मम्मी ऊपर देखो, मैं आ गया। अरे देखो हमारा बेटा आ गया। बेटा तू आ गया, बेटा तू इतना खतरनाक कैसे बन गया? मम्मी मैंने सारे किंग कॉन्ग के परिवार को मार दिया, उन सबको खत्म कर दिया, गॉडज़िला फैमिली सबसे खतरनाक है। अरे बेटा मुझे पता था तू किसी दिन पूरे किंग कॉन्ग फैमिली को खत्म करेगा, तू सबसे अच्छा है। मम्मी मम्मी फ्रैंकलिन भैया ने मेरी बहुत मदद करी किंग कॉन्ग को हराने के लिए। फ्रैंकलिन बच्चे बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बेटे की मदद करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अंकल कोई बात नहीं, हमने पूरी की पूरी किंग कॉन्ग फैमिली को खत्म कर दिया और हम एक खतरनाक से गॉडज़िला ही बन चुके हैं। और काइज़र अभी अभी मैंने यहाँ पे देखा कि इस गॉडज़िला की दो दो पूंछ है, मतलब नॉर्मल गॉडज़िला की सिर्फ एक पूंछ होती है, इसकी तीन तीन मुंडी है, दो दो पूंछ है और दो दो पंख भी है। ये दुनिया का सबसे खतरनाक गॉडज़िला है। तो काइज़र आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, अगर आपको आज वीडियो अच्छी लाइक कर देना चाहे वो सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं लगी वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वहां पे जाके जॉइन और फॉलो कर लेना, और ये जो दो वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ रही है उनको भी जाके फटाफट से देख लो। और गाइस हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।